इंदौर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने 5 साल पहले केंद्र सरकार की सूची से बाहर हुए पेट्रोल पंप को अवैध रूप से संचालित होने वाले पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 10,000 लीटर अमानक स्तर का डीजल जब्त किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 इमले स्थित बस स्टैंड के पास एसआर कंपनी का एक पेट्रोल पंप बिना किसी शासकीय अनुमति के संचालित किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा एसआर पेट्रोकेमिकल का लाइसेंस 5 साल पहले ही खत्म किया जा चुका है। सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पता चला कि पंप से बसों में डीजल भरा जा रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम को सूचित किया गया, जहां खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डीजल के सैंपल कलेक्ट किए हैं। बताया जा रहा है कि डीजल केमिकल के माध्यम से बनाया जा रहा है और सिर्फ लंबी दूरी के बस ऑपरेटर्स को बेचा जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला खाद्य विभाग उप संचालक IPS सिंगल ने बताया है कि पेट्रोल पंप पर अवैध रूप से डीजल के भंडारण और अमानक स्तर के डीजल की जानकारी क्राइम विभाग से प्राप्त हुई थी। आज क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर हम खाद्य विभाग इंदौर की टीम यहां मौके पर 3 इमली स्थित एक एसआर का पेट्रोल पंप है, इस पर आज जांच करने के लिए पहुंची। तो जांच वक्त जो पेट्रोल पंप एसआर पेट्रोल पंप जो कि बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर महाराजा अग्रसेन पेट्रोलियम इस नाम से ये पेट्रोल पंप है, मगर यहाँ के जो प्रोपराइटर मालिक या कोई भी प्रबंधक यहाँ मौके पर जब हम जांच के लिए आए तो यहाँ पर कोई नहीं पाया गया।